मेरे से ना मेरे गली मोहल्ले के भी लोग परेशान हैं। बाबा अभी तो बस मिलना जुलना लगा ही रहेगा क्योंकि मैं ना नंबर भटकूंगी। मेरी मम्मी भी मेरे से परेशान है, बोली अभी आई फालतू का काम कर रही है। मास्टर बोलने के लिए से गई है। आइए भाई अंकल। Everything is temporary, पर रास्ते में मंदिर मिल जाए तो सर झुकाना इस परमानेंट। बता दीजिए अंकल, हम लोग भी थोड़ा जान ले। बताइए काटना है, हाँ बिया निकालना है, हाँ और इसमें भर के। हे गाइस, अभी ना मैं बताती हूँ। सुबह ना छाया को जाना था वहाँ डॉक्टर के पास, तो वो मतलब मासी भी थी हम लोग के साथ और मासी का ना देखा हुआ नहीं है, तो इस एरिया के तुम क्वीन है। मेरे को पूरा मतलब अपने जो भी एरिया है ना, मेरे को सारा चीज़ पता है कि कौन सा जगह कहाँ है, कौन सा डॉक्टर कहाँ पर बैठता है और कौन सा मॉल कहाँ पर लोकेटेड है, ये सब चीज़ पता है। सो मैं भी चली गई मासी के साथ कि चलो चलते हैं। पापा के पास टाइम नहीं था, अदरवाइज पापा ही छोड़ देते। फिर उसके बाद कुछ कुछ शॉपिंग ये सभी करना था, तो वो सब हम लोग कर लिए। एंड गाइस कौन है छोटे, कौन है ये, शांत क्यों हो गए? ले लीजिए तो उधर से आने टाइम निकाल लेंगे। चलिए ले लेंगे। बता दीजिए अंकल, हम लोग भी थोड़ा जान ले। बताइए काटना है, हाँ बिया निकालना है, हाँ और इसमें भर देना है। वो आप जो मसाला है उसी को खटाई है, खटाई को डाला जाता है, खटाई है, फिर सरसों मेथी मगरेला सब कुछ दीजिए तवा पे, इसमें मिला के तीता नहीं रहता है, टेस्टी लगता है। चलो देख लो। हे गाइस, आज सारा मतलब हम लोग शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद ना अभी हम मिर्ची ले रहे हैं क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। पर इसको गाइस बोलते हैं लखटो, आटे का बना हुआ था और गुड़ का। हाँ अंकल 120 रुपए किलो है, पर अंकल हम लोग को 100 रुपए ही किलो दे दिए, बोनी का टाइम था तो। हे गाइस, अभी हम लोग है ना बहुत सारा शॉपिंग किए। शॉपिंग में क्या बताऊँ, कुछ कुछ मॉल से भी कुछ लेने थे और कुछ कुछ अभी हम लोग मतलब बड़ा मजा कर रहे हैं। आपको सुनाई दूसरा कुछ दे रहा था, कोई बात नहीं होता है, ऐसे में काफी ज्यादा ट्रैफिक है गाइस। पता है अभी हम लोग जहाँ में खा के आप देख लीजिए, एंड वो इतने पीरियड थे ना, इतना दिमाग के पैदल थे वो ना मिर्ची खा कर, बोले ना बापरे सच्ची वो पीता है। और गाइस अभी हम लोगों को यहाँ पे आने का क्या प्लान था ना, छाया को डॉक्टर से मिलना था, हम लोग मिले हैं, उसके बाद शॉपिंग कुछ मासी को कुछ कुछ लेने थे कपड़े और डोरमेट ये सब, तो वो हम लोग मॉल से ले लिए। एंड उसके बाद एंड गाइस हम लोग ना एक यहाँ हमारे झारखंड में ना लखटो बहुत फेमस होता है, जो आटे और गुड़ का बना हुआ होता है, बहुत खाने में मस्त लगता है। क्या वो अंकल आना है? कहाँ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, वो ब्लॉग मेरा चल रहा है, सारे लोगों को इन्फॉर्म करना जरूरी है ना कि अभी हम कहाँ आए हैं, क्या कर रहे हैं। और अभी हम लोग अपने मंजिल की ओर जा रहे हैं, यानी कि घर। और हाँ, अब तो आई हूँ तो फिर घर, अब तो बस घूमना है मेरे को क्योंकि हॉस्टल में तो कुछ देता है नहीं, तो बस अपने जगह पे जाऊंगी एंड वहाँ पे जाने के बाद आपको बताऊंगी। ओके बाय बाय अंकल। दुकान बंद रहेगा ना, मास्टर बोलने के लिए से गई है। आइए बाय अंकल। बाय। फिर क्या बनाने लगा तू? मेरे से ना मेरे गली मोहल्ले के भी लोग परेशान हैं।
हे गाइस, आप लोगों को पता है अभी मैं ना ऑटो में ऐसी ही मतलब अपना ब्लॉग शूट कर रही थी, तो अंकल बोल रहे हैं ना, बेटा आप ये फेसबुक पे डालते हो क्या? हम बोल रहे अंकल फेसबुक नामक चीज़ हमको अभी यूज़ ही नहीं किया है, पर हाँ क्या क्या बोलते हैं, एक बार ना मैं अकाउंट बनाई थी फेसबुक का, पर मेरे को कुछ समझ नहीं आया, और हाँ ऐसा लगा कि भाई मेरे बस का नहीं है, तो मैं इंस्टाग्राम पे ही बस हूँ और यूट्यूब पे। तो अंकल बोले चलो बढ़िया, मेरे को भी अपना चैनल दे दो। मस्त वाले अंकल थे यार। फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर, एंड मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय। अभी तो बस मिलना जुलना लगा ही जाएगा, क्योंकि मैं ना दिन भटकूंगी। मेरी मम्मी भी मेरे से परेशान है, बोली अभी आई नहीं कि वो घूमना स्टार्ट कर दी। फालतू का काम कर। हे गाइस, अभी ना मैं मस्त डांट सुनी हूँ छोटी दी से, इसलिए वैसे मैं हमेशा ही डांट सुनते रहती हूँ यार। मेरे को लगा शायद वैसे मेरे को बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं छोटी दी हमेशा ही डांटते रहती हूँ। मेरे को बताती हूँ ना किस लिए, देखो बताती हूँ। सुबह ना गाइस एक्चुअली ना वो क्या बोलते स्टील वाला जो होता है ना रेलिंग, उसका काम लगा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा होगा। और हाँ बताऊँ आप लोगों को, अभी मैं लगभग 12:05-6 हो रहा होगा, तो अभी मैं खाने बैठी हूँ, और खाना मैं ऊपर लेके आ रही थी ना, तो मेरी मम्मी बोल रही ना बेटा शो ऑफ करने के चक्कर में है ना, अगर तुम अब थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा मतलब ली और फेंकी ना तो बताएंगे तुमको, बहुत दिन हो गया कुटाए हुए यार। मतलब हद है, कल इतना प्यार से मेरी मम्मी मेरे लिए खाना परोसी, प्यार से बात कर रही थी, बोलते बेटा पैर वैर दुख रहा है तो बोलो हम दबा दे रहे हैं। आज एकदम चेंज है हालात यार। मतलब क्या हुआ, अभी मेरे आए हुए एक दिन भी 24 hours भी नहीं हुए, और ऐसे मेरे साथ रिएक्ट किया जा रहा है गाइस। वैसे गाइस अभी ना वो सारा छाया को हॉस्पिटल जाना था डॉक्टर से मिलने, सो बहुत देर से उधर ही हम लोग थे, और बिना खाए पिए ही हम लोग गए थे। तो छाया लोग तो नाश्ता वास्ता कर ली, और अभी नाश्ता कर ली, और मैं नहीं की हूँ, क्योंकि मैं सोची कि थोड़ा ब्लॉग में भी ले लेती हूँ, क्योंकि ना हॉस्टल का खाना खाए मेरा ना दिमाग का चूरन हो जाता है। और आज मम्मी ना मेरे लिए ना शाम को बहुत अच्छे अच्छे चीज़ बना रही है, लाइक छिलका तड़का और चना का साग, और मेरे को जो जो पसंद है ना आज मेरी मम्मी बनाएंगी, और आज भी बनाई है, पर जो आज मेरे को खाने में ना ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन हाँ तब भी मेरे को। गाइस 12 बज चुके हैं और मैं ना खाई पी नहीं हूँ, अगर मैं खाऊंगी नहीं ना तो अच्छा खासा कुटाऊंगी मम्मी से, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि हॉस्टल से तुम और भी ज़्यादा पतली होकर आई हो, 40+ ही है 41 है, तो मम्मी क्या बोल, ये ना सही नहीं है, मेरे को 45 kg एनी हाउ करना है, क्योंकि ये थोड़ा सही नहीं है। और मेरे को भी ऐसा लगता है कि भाई हाँ थोड़ा वेट गेन करना चाहिए, क्योंकि मेरे को ना कुछ ज़्यादा ही अपना वेट को लेके थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है भाई, कि करो प्रीति कैसे भी करके। इस चलते ना मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना डाइट बढ़ाऊँ और वेट गेन करूँ, तो देखते हैं मेरा वेट कब तक गेन होता है, पर हॉस्टल के खाने से तो नहीं लगता मुझे कि मेरा वेट गेन हो। हे गाइस, मैं खा पी ली हूँ लगभग, और हाँ अभी मुझे ना ये अपना एफ्रन टाइट कराने जाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेरे पे ढीली हो रही है, सो मैं देखती हूँ यार। वैसे ये वाला स्वेटर पे तो ठीक हो रहा है, पर हाँ इस स्वेटर से मेरे को ऐसा फील हो रहा है मानो ये फिटिंग नहीं, अगर फिटिंग नहीं होगी तो अच्छा भी नहीं होगा। और हाँ क्या बोलते हैं, ये मेरे को अपना ये सूट ये सबको भी टाइट कराने जाना, तो अभी तो मैं करूँगी। वैसे मेरे को ना ऐसा फील हो रहा है ना कि भाई आज हो गया 24, 25, 26, 2 तारीख के आने तक मतलब कितना जल्दी टाइम जा रहा है, पर हाँ जल्दी से इसे फिटिंग कराती हूँ, फिर उसके बाद आने के बाद चलते छत पे। वैसे अभी मैं जा रही छत पे थोड़ा नानी और नाना जी से मिल लेने, नानी क्या कर रही है, क्योंकि मैं ना थोड़ा मोड़ा बात की हूँ, बाकी वैसे अच्छी लगी ना। छाया भी आ रही है भाई। नानी के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, और फिर मेरी कजन है मेरी बहन प्यारी सी, उसके साथ टाइम स्पेंड कर लो। बड़े मतलब वो बड़े शुभ दिन है कि आज मेरे को आना पड़ा, अभी नया साल भी हो रहा है और कल बड़ा दिन भी है ना। अभी रहिए ना नानी लेने ना आए हैं। नाना ऐसे कैसे होता है? अभी आप लोग दोनों को रहना है, जब तक हम नहीं जाते तब तक नहीं जाना है, ठीक है ना? अभी हम जा रहे हैं वो एफ्रन टाइट कराने। वैसे यार बताऊँ मतलब नाना जी ना अभी सुबह में आए थे, और फिर वो बोल रहे हैं कि नानी को लेते जाएंगे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना इतनी जल्दी चले जाएंगे वो दोनों। तो कल ही वो लोग भी आए, पर हाँ मेरे आने से पहले कल रात को हम आए थे, और उन लोग शायद दोपहर में आए होंगे,
पर अभी मेरे को जो जो काम है वो कर लेती हूँ, देन उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड खूब करूँगी, क्योंकि ना ये टाइम आजकल के बच्चों को थोड़ा मिलना मुश्किल हो गया है। क्योंकि ना मतलब ये सूट आंटी को बोली थी ना मैं कि भाई आंटी आप दाब दो, तो मस्त फिटिंग करके दे दी आंटी, देखिए एकदम परफेक्ट हो रहा है, साइज़ अच्छा है, एप्रन का भी साइज सही हो रहा है, अभी मैं ट्राई ही कर रही थी और सब चीज़ बढ़िया है। अब उसके बाद क्या जा रही हूँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी फैमिली के साथ, क्योंकि आज का शेड्यूल मेरा थोड़ा ज़्यादा ही बिजी था। सुबह मैं उधर हॉस्पिटल, उसके बाद फिर उधर शॉपिंग वॉपिंग जो भी करना था वो सब, सब्जी वब्जी, और फिर उसके बाद आने के बाद टेलर के पास, उसके बाद खाना पीना, और अभी लगी हुई हूँ तो थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना।